हम हिंदुस्तानी हैं, इसके लिए जहाँ हम सबको रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देते हैं, तो ऐसी में दिवाली की मुबारकबाद सबको देता हूँ। आज आप लोग हमारे बुलाने पे यहाँ सभी तशरीफ लाए पत्रकार परिषद के लिए, आपका बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आज की जो पत्रकार परिषद मालेगांव कांग्रेस कमेटी की जानिब से रखी गई, इसकी वजह ये है कि पिछले दिनों चार दिन पहले मैंने मुंबई के अंदर था, मैंने हमारे शहर के आमदार महोदय की एक वीडियो देखा। उन्होंने बोला कि जो 9 करोड़ रुपया कॉरपोरेशन का ये लगा रहे हैं, ये बोलते थे कॉरपोरेशन में पैसा नहीं है, लेकिन ये मेरे काम के अंदर असर डाल रहा है। मैं गवर्नमेंट से पैसा लाने वाला हूँ, खाली बजट का इंतजार है। मेरे तो ये समझ में नहीं आता कब मंजूर हुआ, पहली बात तो ये समझ में नहीं आता, और कहाँ है वो पैसा वो भी समझ में नहीं आता। और पहले तो इन्होंने पत्रकार परिषद में बोले थे कि यार ये आमदार का काम नहीं है रोड गटर बनाना, वो कॉरपोरेशन का काम है। तो फिर जाहिर सी बात है इन्होंने काम नहीं करना चाहिए उनको, अगर उनका फंड है, अगर पैसा लाने वाले हैं तो शहर के ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं, वो रास्तों के ऊपर इन्होंने काम कर लेना। कॉरपोरेशन अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, और क्योंकि कॉरपोरेशन भी और हम भी इंतज़ार कर रहे थे कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पैसा दे देगी, लेकिन पिछले दिनों जब थोड़ा कोरोना के अंदर थोड़ा कमी आई, मैं भी मंत्रालय जाकर के खुद नवाब मलिक साहब से भी मिला था, वो इसलिए कि मायोरिटी से कुछ रोड गिरान आती थी, और मैंने उसके लिए 5 करोड़ की डिमांड उनसे बोला किया था, लेटर मेरा दिया था। नवाब मलिक साहब ने बोला कि रशीद भाई इस मरतबा पैसा नहीं है और हम दे नहीं सकते, हमारे पास 20 करोड़ रुपया खाली सिर्फ कब्रस्तानों के लिए बड़ा हुआ है, और कब्रस्तान के लिए हम वो भी सिर्फ 10 लाख रुपया देंगे, क्योंकि तो जो शहर में या जो देहातों के अंदर खस्ता हालत में जो कब्रस्तान है उसको देंगे। उसके बाद मैं खुद अजीत दादा पवार साहब से मिला, अर्थमंत्री है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, उनसे मैंने 5 कोटी मांगा था रास्तों के लिए गिरान। अजीत दादा साहब ने मुझे बैठा लिया और समझा के उन्होंने बोला कि रशीद भाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास पगार के लिए भी पैसा नहीं है, हम अभी लोन उठा करके पगार दे रहे हैं, और कोविड के वजह से पूरे महाराष्ट्र की नहीं बल्कि पूरे देश की हालत ख़राब है, इसलिए इस मरतबा कोई भी विकास निधि आपको नहीं मिल सकती, कोई भी कॉरपोरेशन को हम नहीं देंगे। बस वहीं से मैंने मन बना लिया था कि अब जो भी काम करना है वो सिर्फ और सिर्फ अब कॉरपोरेशन को करना है, और इसलिए इस मरतबा मैंने महापौर के साथ बैठ के जो तरीका अपनाया हो सही मानों में, अब हमको भी शर्म आती है, ठीक है आमदार साहब को शर्म आती कि नहीं आती, क्योंकि उनके लोग तो बोलते हैं आप कुछ मत करो हम तुम्हारे साथ हैं, तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि बेशर्मी की भी हद है, लेकिन मुझे ज़रूर शर्म आती है क्योंकि मेरा शहर है, ये शहर के लोग हमारे हैं, और जब शहरी जब रास्तों पे गुजरता है वो चाहता है शहरी के शहर के रास्ते अच्छे बने, और इसीलिए हमने ये तय किया कि आगरा रोड को मालेगांव कॉरपोरेशन के पंथे बनाया जाए,
इसके लिए 9 करोड़ का बजट उसके ऊपर हमने वर्क करके इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा नहीं 15 दिन के अंदर उसका टेंडर कॉल हो जाएगा और हम कोशिश करेंगे 1 महीने के अंदर उसका वर्क ऑर्डर हो जाएगा और आप लोग देखेंगे, शहर भी देखेगा, तो शहर की जो दिल है आगरा रोड उसका काम इंशाल्लाह अच्छे ढंग से होगा। सीमेंट कंक्रीट का रोड बनेगा जैसा दूसरे शहरों में बनता है और जैसे ब्रिज वाले ने सीमेंट कंक्रीट का रोड बनाया। बार बार कितने टाइम बोला जाए, क्योंकि इन्होंने बोल दिए इसके लिए मुझे बोलना पड़ रहा और दोनों बाजू उसके अंदर नाला लेने की ज़रूरत थी, RCC गटर है बड़ी, ताकि आगे भविष्य के अंदर लोग अतिक्रमण ना करें आगरा रोड पे, अपने घरों के आगे अपनी दुकानों के आगे ऊंचा ना करें। रास्ते पे अगर कुदरती बारिश भी हो या ऐसा कोई पानी इस्तेमाल होता है तो गटरों में पानी जावे, इसलिए हमने उसको तय किया कि इसको आगरा रोड को बनाया जाए। बाहर का शहरी भी अगर आएगा बनने के बाद में तो बोलेंगे नहीं, कम से कम किसी को तो सोच आई, किसी को तो समझ है और ये रास्ता ही बनाए। अरे मालेगांव की कोई एजेंसी काम नहीं करेगी इसमें, बाहर की बड़ी एजेंसी आएगी कोई ना कोई। कई लोग से मेरी बात हुई है, जैसे जिसने उर्दू घर बनाया, जिसने हमारा गिरना ब्रिज बनाया, उन लोगों से मेरी बात हुई कि भाई आप लोग आकर के काम लो, और क्योंकि हमको अच्छा काम करना है ये रास्ते का, 25 बरस का कम से कम इसका दोबारा काम ना करना पड़े, इसके लिए हमने उसके ऊपर काम किया और हमारी जद्दोजहद में सारी पूरी कोशिश और बल्कि उस पर अमल होगा। अब वो कहते हैं कि इनको अगर बनाना ही था तो गांव के बहुत सारे रास्ते ख़राब है, तो आप लोग देखे होंगे कि जो अब्दुल नगर का रास्ता है बुलबट वाले के पास से सीमेंट हाउस तक, वो रास्ता हमने 80 महीने ने पिछले दिन फंड लाए थे जो 5 करोड़ रुपया, उसमें तो रास्ता बना। हमको शहर के ऊपर हमारी नज़र रही थी क्योंकि हम शहर के अंदर ध्यान देते, ऐसे ही जहाँ अमानतुल्ला रहता है इनका कारपोरेटर, हम शहर को अपना मानते हैं, कारपोरेटर किसका ये नहीं मानते। वो रास्ता भी बहुत खस्ता हालत था, वही फंड में से वो रास्ता ही बना, इनके 4 कारपोरेटर हैं वहाँ पे, 0 बजट सन्नाटा है वहाँ पे, कोई काम ही नहीं उनके कारपोरेटर नहीं किया। वहीं पे एक रास्ता और जो रजा चौक का रास्ता है, जो क्रिकेट ग्राउंड तक जाता था, वो रास्ता भी उसी फंड में से बना, वही मिल्लत मदरसे के पास से डायरेक्ट पावरवाड़ी के रास्ते तक, वो आधा रास्ता क्लियर हो गया, आधा रास्ता अभी ऊपर का जो बेस बाकी है वो भी इंशाल्लाह 1-1.5 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। मैं इसलिए रास्ते फिर से गिरा रहा कि इन्होंने बोला कि आपको अगर बनाने तो शहर के रास्ते बनाओ, और इसी तरीके से शिव रोड मंदी पावर हाउस के पास का WBM अब हो गया, वो डायरेक्ट वीरप्पन होटल के पास तक जाता है, वो रास्ते का भी काम जल्दी एडमिक्स हो जाएगा। उसी में से आईमरी वाला जो रोड है ये वही 5 करोड़ के काम में से रोड है, वही तुम्हारा जिलानी चौक से लेकर के अंसार शामिल होते हुए वो डेपू रोड तक वो रास्ते का काम भी WBM हुआ है, लेकिन बारिश की वजह से रुक गया था और अभी वापस और बेस सीधा करके वो भी एडमिट से जल्दी हो जाएगा। ये वो 5 करोड़ के पन में थे। और एक रास्ता जो है अहमद रजा रोड पानी की टाकी वाला है ना, उसका मैंने उद्घाटन करा लेकिन बारिश ज़्यादा दिन तक चली इसके लिए रुका था, वो भी हो सकता है ये 15-20 दिनों के अंदर एक रात भर में खींच देने का, एक 2 दिन का काम है। उसके अंदर जो बाबा साहेब अम्बेडकर का जो स्टेचू है उपला जो है, वहाँ कुछ बजट कम पड़ रहा था, उसमें से 20-19 लाख रुपया कॉरपोरेशन फंड में से महापुर के अधिकार का जो बजट था उसमें से वो भी दिए ताकि पूरा रास्ता वो भी क्लियर हो जाए।
कहने का मतलब हमारा खुद शहर के ऊपर ध्यान है, ये हमको ना सिखाए ना हमको दिखाए कि अगर इनको बनाने तो शहर के रास्ते बनाए। तो हमारी इम्प्लीमेंट हो रहा है, बाकायदा हम उसके ऊपर लगे हुए हम काम कर रहे हैं। ऐसी मुझे शर्म आई, इनके चारों कारपोरेटर के वार्ड में एक रोड और है जमीतुल हुदा वाला, बहुत खस्ता हालत में है। अभी मैंने उसके ऊपर 30 लाख का बजट रखा था और जफर अहमद को बोल के, क्योंकि नबी अहमद जफर अहमद एक ही घर में रहते, उसके भाई के लेटर के ऊपर एस्टिमेट बना, वो भी रास्ता बन जाएगा। इन्हें हम दूजा भाव नहीं करते, शहर अपना है, कारपोरेशन हद में ये एरिया है, वहाँ काम होना चाहिए। जैसे 3 नंबर में किसके किसके सदस्य है, चारों कारपोरेटर महागठबंधन के, जो 1.5 करोड़ का वहाँ पे सीमेंट रोड वो भी होने वाला, वो भी टेंडर हो जाएगा। तो मेरे समझ में नहीं आते ये उठते छूटते झूठ बोलते, ये क्या है? आलिमों को बदनाम कर रहे हैं, खुद तो आलिम रह करके भी अब इनको आलिम बोलना भी शर्म लगती है। अब तो इतना झूठा आलिम मैंने देखा ही नहीं मेरी 65 वर्ष की उम्र में, अभी तक बचपन से लेके अभी तक। नहीं तो पहले आलिमों का और मौलानों का आज है बेचारे, ये परहेजगार मुत्तकी आलिम मौलाना है, जैसे हमारे बारी मौलाना थे ऐसे कई मौलाना है। लेकिन इनकी वजह से लोग बाकी लोगों को भी शक की नज़र से देखते, समझे? इन्होंने पूरे आलिमों को और हाफिजों को बदनाम कर दिया। तो बहरहाल हमारी जिम्मेदारी हम निभाएंगे, हजरत को अगर फंड लाना है, अगर गवर्नमेंट ने इनको फंड दे दिया तो, इन्होंने बोला बजट का इंतजार है, मैं बोल रहा, मैं गया था अभी, पुरानी बजट इस सेशन में लिया जाएगा नागपुर के, पुरानी बजट तैयार हो रहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट, हो सकता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अलग अलग शहरों में अलग अलग आमदारों को फंड नहीं मिला है, तो गवर्नमेंट चाहेगी कि आमदारों को फंड देगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले उनकी रूलिंग पार्टी के आमदारों को देगी, अपोजिशन को भी देगी, नहीं देती ऐसा नहीं। लेकिन क्योंकि ये पिछले टाइम भी जब आमदार थे ना तो गवर्नमेंट बदनाम थे, राज्यसभा का इलेक्शन आया तो बदनामी ले लिए, विधान परिषद का मैं क्या बोल रहा समझ रहा आप, विधान परिषद का इलेक्शन आया तो बदनामी ले लिए। अभी सरकार बनाने का जब वक्त तो आया, जो शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार बनी, मेरी मालूमात तो ऐसी है कि इनका इनसे वादा लिया गया था, इन्होंने वादा किया था और कुछ गिना भी इन्होंने, इतना गिना ये तो नहीं मालूम, लेकिन वोट देने का गिना इन्होंने क्या, लेकिन ले लिया और वोट नहीं दिए इन्होंने, नो नोटिंग रहे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनको गवर्नमेंट कुछ शहर के लिए फंड देगी, ये अगर बोलते हैं तो खाली बातों की दुकान है, लेटर कहाँ से बैठ के कहाँ भेज देते, मंत्रालय में दिखते नहीं, विधानसभा में रहते नहीं, मुंबई रहते हाउस चलते रहते, हाउस में रहते नहीं, तो ऐसे इंसान के ऊपर कैसा यकीन करेंगे शहर के लोग ये फंड लाएंगे और इस शहर को शहर का विकास करेंगे, ऐसा मुझे तो पता ही लगता नहीं भाई। ये नाकारा आदमी है, पिछले जब 5 साल आमदार थे जब भी नाकारा साबित हुए थे, अभी 1 साल हो गया सरकार को अभी भी वो नाकारा साबित हुए, और मैं समझता हूँ आगे पूरे 4 साल के तो नाकारा साबित होंगे। और जिस ढंग से उनकी बोली है, उनकी सोच है, उसकी समझ है, मैं जब आपको ये बताया कि नवाब मलिक साहब के पास गया था, तो नवाब मलिक साहब ने इतना चीड़ के बोले थे, बोले कैसा मुल्ला है, कैसा आलिम है वो, जो उजरे में पैसा लेते हैं, बोले मेरे सामने एमएलसी के इलेक्शन का, बोले बोले दोनों पे भूल लिए, समझे? तो एक फंड नहीं मिलेगा, बोले सबकी नजर है इन पे, बोले पिछले टाइम भी ऐसी किया था, अभी भी ऐसी किया, बोले
पैसा ले लिया और वोट नहीं दिया। तो ऐसे आदमी क्या कीमत रहती है सरकारों के अंदर, समझने का विषय है। आप लोग तो पत्रकार हो, आप लोग को काफी समझता है, हर एक की कुंडली आपके पास रहती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बंदा पैसा नहीं ला सकता, फंड नहीं ला सकता गवर्नमेंट के मालिका। हाँ, अंदर फंड तो मिलता ही है, वो एक उसका हक है। एक साल गया, अब मैं सूरत 2 करोड़ 2.25 करोड़ के सब आमदारों को मिला। 50 लाख इन्होंने खैर कोविड में नासिक में दिया कलेक्टर को, 2 करोड़ कहाँ गया? सोचने की बात है। अरे उसके अंदर से 5 करोड़ तो बन जाते हैं। अरे नहीं, 10-10 लाख के भाई, 25-25 लाख के 5 करोड़ तो बन जाते ना। वो तो कहीं इन्होंने जमीन के ऊपर बताना था कि वही फंड बैठा ले, पता नहीं, क्योंकि यहाँ तो उनके कार्यकर्ताओं ने बोली दी है कि तुम कुछ मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और एक साल का केक भी काट दिए पतंग का बना करके। हालांकि पतंग उड़ने वाली चीज है, इतनी तेजी से उड़ना चाहिए, इतना फंड आना चाहिए गांव में, है ना। लेकिन ये कभी ला नहीं सकते, ये खाली बातों की दुकान है, झूठ बोलने की दुकान है। सच बोलना इनको आता नहीं है। आलिम जब बनता है तो मंतिक सिखाई जाती है, और मंतिक बातों से लोगों का दिल बहलाते रहते हैं। ये शहर को कभी अच्छा नहीं कर सकते, शहर को अच्छा नहीं बना सकते। देखो ना, अभी वक्त हो गया ना, स्टैंडिंग में 3-3 लाख की बोली चल रही है, मुझे निजाम का पैसा देना है। बोले अपनी पार्टी के सदस्य को छोड़ के दूसरे पार्टी का नाम दे दिए, जो पैसा नहीं देगा वो स्टैंडिंग में नहीं जाएगा। अजीब बात है यार, जो पार्टी के सदस्यों से, जो पार्टी के लोग तुमको चुन के लाते हो, उनसे तुम पैसा लेते हो। शर्म से डूब मरना चाहिए इनको तो, चिल्लू भर पानी में। और कुछ तुम लोग को पूछना है तो